नमस्कार, मैं श्रद्धा जैन, मिरांडा हाउस की छात्रा, आप सभी का स्पिक मिकी द्वारा आयोजित अनुभव श्रृंखला 2021 की वर्कशॉप प्रेजेंटेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्पिक मिकी ने हमेशा से ही युवाओं को ऊर्जा एवं सकारात्मक सोच रखने के लिए प्रेरित किया है। हमने लगातार कोशिश की है कि स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को अपनी समृद्ध संस्कृति, सभ्यताओं और परंपराओं से अवगत कराया जाए और यह उनके अध्ययन का एक अहम हिस्सा बन सके। अनुभव भी इसी दिशा में लिया हुआ एक कदम है। पिछले साल की सफलता को देखते हुए इस साल भी अनुभव ऑनलाइन 2021 का 21 जून से 27 जून तक आयोजन किया गया है। तो अनुभव के अंतर्गत 22 जून से 26 जून तक रोज 9 बजे से 12 बजे क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस फॉर्म, हस्त शिल्प कला और लोक गायन की 16 वर्कशॉप्स कराई गई। तो बिना किसी विलंब के मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगी। इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मैं हिंदुस्तानी वोकल की मॉडरेटर श्रीका को आमंत्रित करना चाहूंगी। श्रीका, और मैं हिंदुस्तानी वोकल के पार्टिसिपेंट से निवेदन करना चाहूंगी कि आप कृपया कर अपने कैमराज ऑन कर लें। श्रीका, यू कैन स्टार्ट। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम श्रीका शेखर है। मैं अपना कैमरा नहीं ऑन कर पा रही हूँ, आई एम वेरी सॉरी। मुझे कुछ कनेक्टिविटी इश्यूज हो रहे हैं, वेरी सॉरी कि मैं टर्न ऑन नहीं कर पा रही। इट्स ओके श्रीका, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम श्रीका शेखर है और मैं हिंदुस्तानी वोकल वर्कशॉप की एक सहभागी हूँ। हम पिछले हफ्ते एक हफ्ते से हमने बहुत ज्ञान हासिल किया है अपने गुरुजी विदुषी श्रुति सरडोलिकर जी से। वेलकम मैम। आपने अपनी शिक्षा अपने पिताजी और गुरु पंडित वमन राव सरडोलिकर जी से प्राप्त की है, जिन्होंने उस्ताद अल्लाह दियास खान साहेब व उस्ताद गुरुजी खान साहेब से अपनी शिक्षा प्राप्त की है। आपको उस्ताद कुल्लू भाई जसदन वाला साहब व उस्ताद खान साहब से सानिध्य में भी शिक्षा प्राप्त की है। आपको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, शनमुखा संगीत शिरोमणि अवार्ड व मल्लिकार्जुन मंसूर नेशनल अवार्ड जैसे अनेक सम्मानों से विभूषित किया गया। अनेक संस्थाओं में अपनी सेवाएं देने के बाद आप 2009 से 2020 तक पटखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूशन की वाइस चांसलर रही। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें आपसे मिलने का मौका मिला। अब मैं गुरु जी से निवेदन करती हूँ कि वो हमें एड्रेस करें। मैम, आप म्यूट पे हैं। Is it okay? मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, आ रही है। सभी को मेरा नमस्कार। First and foremost is I would like to congratulate the Speak Mackay for organizing this kind of a workshop. We are actually in the last 1 year, more than 1 year, we have been sitting at home and literally without any contact with the outside world, musically. It is a great opportunity to have the children in front of you, even if by the computer, through the computer or online. It is a great joy to teach these students, to let them into the vast
ocean of knowledge of Indian music. I also would like to congratulate the students who have participated in this workshop, because this workshop has given them an insight into music, what is Indian music, what is Uttar Hindustani Sangeet. And this is just a peephole looking out into the vast ocean of Indian music. मैं जरूर ये चाहूंगी कि जो बच्चे इस माध्यम से जुड़े हुए हैं संगीत से, they should follow up and they should keep on increasing their knowledge about Indian music. And I'm very, very happy that the last 4-5 days I have enjoyed the most. And I would like to thank the Spitmake for giving me the students who really are very, very ardent followers of their guru. जो मैं यहाँ सिखा रही हूँ, इन बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से सीख लिया है. They are very good students. They can pick up well. They can even grasp well. The only thing is that with the limitations of the medium, they have tried to get it as far as possible. And I would like to request them to continue to learn music wherever they are. They should go on getting the knowledge, and ultimately I'm sure they will try to get some joy out of it. The joy will increase with time and it will stay with them for the whole life. Thank you. Are my students ready? Anushka ji? Shraddha? Shrika needs to be unmuted. Shrika, can you unmute yourself? How are they going to start? Yes. Thank you for inviting me. इस पहला प्रदर्शन रमन राग यमन का होगा जो श्रीबानी और पहला प्रदर्शन होगा राग भैरवी का. बेटा राग भैरवी का प्रदर्शन होगा एंड आफ्टर दैट वी विल प्रेजेंट राग यमन. ओके श्रृंखला और शरण्या से राग भैरवी शरण्या. शरण्या sa ma'am, I cannot hear the tanpura. Is it audible, ma'am? Tanpura ka volume thoda aur bada de ya fir usko mic ke paas le aaye, thoda low aa raha hai. अभी ठीक है जी मैम. जी मैम रे रे गा रे गा मा sa la ni sa sa ni ta ga la re sa a ma 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 a
Shrinkala? Yes, ma'am. Sorry, I was muted. Listen to the Tatpura properly and then start. Sa re ga ma pa dha ni sa sa ni dha pa ma ga re sa प्रेजेंटिंग राग भैरवी जिसकी ठाठ भैरवी है कोमल स्वर है रे ग धानी जाति है संपूर्ण संपूर्ण वादी स्वर है मध्यम संवादी स्वर है षड्ज और गाने का समय है दिन का पहला प्रहर इसमें ताल दादरा मध्य लय मात्रा छह खंड दो तीन तीन ताली पहली मात्रा पे और खाली चौथी मात्रा पे श्याम सुंदर मदन मोहन श्याम सुंदर मदन मोहन जागो मेरे लाला जागो मेरे लाला श्याम सुंदर मदन मोहन प्रात भान प्रकट भाए प्रात भान प्रकट भाए ग्वाल बाल मिलन आए ग्वाल बाल मिलन आए तुम्हारे दर्स द्वार ठहरे तुम्हारे दर्स द्वार ठहरे मोहन मुरली वाला मोहन मुरली वाला श्याम सुंदर मदन मोहन श्याम सुंदर मदन मोहन जागो मेरे लाला जागो मेरे लाला जागो मेरे लाला श्याम सुंदर मदन मोहन जागो मेरे लाला प्रात भान प्रकट भाए ग्वाल बाल मिलन आए प्रात भान प्रकट भाए ग्वाल बाल मिलन आए तुम्हारे दर तुम्हारे दर संवारे ठारे मोहन मुरली वाला मोहन मुरली वाला श्याम सुंदर मदन जागो मेरे लाला जागो मेरे लाला जागो मेरे लाला धन्यवाद
धन्यवाद, बहुत ही सुंदर प्रदर्शन था। अब मैं बुलाना चाहती हूँ राग यमन विद्यार्थी शिवानी और शालिनी। नमस्कार, मैं शिवानी। आज हम राग यमन आपके साथ में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैम तानपुरा का आवाज तानपुरा का आवाज आ रहा है। देखो ऑन द स्क्रीन प्लीज। कैन यू हियर द तानपुरा? सो लाउडली। थोड़ा सा लाउडली करो बेटा। चलो रे गी सा सुनो सुर, थोड़ा सा सुर फिर से सुनो और फिर से गाओ। तुमको सुनाई दे रहा है? ऑडियो हो रहा है तुम्हारा? ठीक से सा ठीक से लगाओ। अवंती द तानपुरा इज नॉट ऑडियबल एट ऑल। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। शर्मिन को सुनो। लिसन टू शर्मिन वेरी केयरफुली। मैम कैन यू हियर मी? यस यस, सिंग इट प्रॉपरली इन सुर। प्ले योर तानपुरा। मेरे गमानी सा घरे भज मन करुणानी धान भज मन करुणा सुख संपद एक धाम सुख संपद एक धाम शरणागत वत्सल प्रभु शरणागत पूरत सब मन सुकामन पूरत सब मन सुकामन भज मन करुणानी धान भज मन करुणानी धान सुखदायक प्रभु मंगल सुखदायक प्रभु जगत नायक विदू
अंतरयामि अविकल अंतरयामि अविकल गीत गुणकार चतुर ध्यान निरगुण कर चतुर ध्यान करुणानिधान अजमन करुणानिधान भजमन 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 करुणानिधान भजमन करुणानिधान मंगल सुखदायक प्रभु मंगल सुखदायक प्रभु मंगल सुखदायक प्रभु मंगल सुखदायक प्रभु अखिल जगत नायक विभू अखिल जगत नायक विभू अंतरयामि अविकल अंतरयामि अविकल निरगुणकार चतुर ध्यान निरगुणकार चतुर ध्यान भज मन करुणानिधान भज मन निरगरि निरे स गगरि स निरे स भज मन आ भज मन निरे ग म प म गरि ग म गरि निरे स भज मन आ भज मन मध निध प म ग म प म गरि निरे स भज मन आ भज मन करुणानिधान निरे ग म ग म गरि ग म ध नि ध नि ध प ध प म ग म गरि स भज मन करुणानिधान आ आ भज मन करुणानिधान मंगल सुख मंगल सुख मध निध प म ग म ध नि स स मंगल सुख आ मंगल सुख दायक प्रभु ग म ग म गरि ग म धनि धनि ध प म धनि स मंगल सुख दायक प्रभु मंगल सुख दायक प्रभु अखिल जगत नायक विभू अखिल जगत नायक विभू अंतरयामि अविकल अंतरयामि अविकल
चतुर ध्यान निर्गुण कर चतुर ध्यान भज मन करुणा निधान भज मन करुणा निधान भज मन करुणा निधान भज मन करुणा निधान थैंक यू बेहद ही खूबसूरत प्रस्तुति सबसे पहले तो मैं आपका विदुषी श्रुति सांडोलीकर जी का दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी मैं आपसे आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि थोड़ा समय सीमित है तो हम आप सभी टाइम लिमिट को थोड़ा फॉलो करें नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मॉडरेटर ऑफ भरतनाट्यम वर्कशॉप भार्गवी सिंह आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस वर्कशॉप टू टर्न ऑन योर कैमरास भार्गवी Bhargavi, you are on mute. Your voice is inaudible. Your voice is inaudible, Bhargavi. Yes. Please unmute Bhargavi. She is on unmute, but her I think because of her headphones, she is not able to. Can you please remove your headphones and then speak? No, you are not audible, Bhargavi. Bhargavi, just turn off your camera and then speak. Sorry, there might be a network problem. Shraddha, you can you are the moderator, right? So you can just proceed, I guess. Okay. So now I would like to call Vidushi Geeta Chandran ji to share her experience. Namaskar. Am I audible? Yes, ma'am, you're audible. It's sad because we planned it in such a way that I speak right in the end because I didn't want to speak right in the beginning. Kyunki aaj ki shaam to sab participants ke naam hai. Lekin mujhe lag raha hai kuch technical issues hain. Jab mujhe poocha gaya tha is workshop ke liye to main thodi si I was in doubt. I was hesitating whether we would be able to actually hold the attention of the students for 3 hours every day and would they be committed enough to kind of sustain because online, you know, the attention span is very short nowadays of the students. But to my real surprise, I think it was a wonderful experience for me. I would like to congratulate and thank Spik McKay for this kind of a marathon. 5 days, 3 hours every day. And I think the students were from all over India, whom I could not have otherwise reached. During the pandemic, we started teaching right on from March. All my students have been learning online and we actually, I was not very familiar with technology to that extent. And I didn't believe in online teaching. And I didn't believe in workshops also because I always believed in sustained learning. And being with the teacher for a number of years and working with the teacher, that is what we were all taught and used to. But in this change scenario, I think this was a great opportunity. And I loved and I learned a lot from the students. And we made it as interesting as possible for them. We brought in a lot of elements so that they do not get tired of dancing. The dance is a physical activity, so we brought in a lot of other elements. I would not like to talk anymore. I would certainly like my students to talk, share, and also
show you some, a little glimpse of what, and I'm not going to be in the frame at all from now on. It's to recorded music that they would be dancing. So I hope the technical thing has been sorted, and I hand over the proceedings to Bhargavi. Bhargavi, are you able to... Am I audible now? Yes, you are audible, Bhargavi. Okay. Namaskar, I am Bhargavi Singh of class 7A of Aditya Birla Public School, Jagdishpur, Amethi, Uttar Pradesh. Welcome to this short presentation by the students of Srimati Geeta Chandran. On behalf of all of us, I first invite Krisha Khanna to share our experience of the 5-day immersive workshop of Bharatanatyam that we had the good fortune of attending. Good afternoon, everyone. I'm Krisha Khanna. I'm a grade 12 student of Vellum Girls School. When I entered for this workshop, I actually didn't know what I was expecting. But when I got to know that I would be attending a workshop by Ms. Geeta Chandran, I was beyond excited. First of all, I would like to thank ma'am and all her disciples for teaching us for all these 5 days continuously for 3 hours. It was an amazing experience for us. It was very enriching. My best takeaway from this workshop is that ma'am didn't only teach us the art of Bharatanatyam, didn't only teach us the steps, but also taught us a lot of life skills. And the most important life skill that I learned was of discipline. And while discipline does include our punctuality and our dress code, I think that ma'am taught us about physical discipline a lot. Each day we began with an extensive warm-up. And that warm-up was also very specific to the type of steps we were going to perform. If they involved more of our hand movement, then we focused the warm-up on hands. So this taught us a lot about keeping our body healthy. And towards the end of each session, we also used to have a meditation session, which is, again, a very important part of physical discipline. And I was so honored to see ma'am dancing and see her emoting, her expressions, they're too beautiful. And I'm so thankful to Specmake for giving us this opportunity. Thank you. Namaskar. To mark the conclusion of the 5-day immersive workshop by Specmake, it is my pleasure to present a little sample of what we have learned. Though this is nowhere performance, it is an experience of the discovery that we felt during the 5 days of imbibing various aspects of the dance form. Three of us would be first presenting a shloka dedicated to the elephant-headed god Ganesha. The poetry, the music, and the beautiful intonations were fun to work on Mushika Vahana. This will be performed by Krisha, Tanaya, and Ojaswi. Mushika Vahana Modaka Hasta Mushika Modaka Hasta Chamarakarna Vilambita Sutra Chamarakarna Vilambita Sutra Whoa!
महेश्वर पुत्र विघ्न विनायक पाद नमस्ते पाद नमस्ते नमस्ते workshop has truly been national in character. We have had Tanya from Trivandrum and Leah from Haryana, all equally enthusiastic to participate in the workshop. अब हम रिना से अनुरोध करते हैं कि वो अपने अनुभव को हम सबके साथ शेयर करें. नमस्ते, मेरा नाम रेना है. मैं राजस्थान से आती हूँ. मुझे इस वर्कशॉप से बहुत कुछ सीखने को मिला, पर एक चीज जो मैंने मैम से सीखा कि मैम ने बोला वो अपने गुरु को बहुत ध्यान से देखती थी और वो चाय पीते भी देखती थी और उससे बहुत कुछ सीखती थी. और मुझे हैरानी हुई कि हम चाय लोगों को चाय पीते हुए देखने से भी कुछ सीख सकते हैं. थैंक यू. We conclude with a sample of pure dance learnt in the workshop. A little portion of the Jati Swaram, a piece in the Ragam Kalyani set to Rupaka Talam. As said earlier, this is nowhere near perfect, but we would like to share the joy experience while learning the piece. Is voice audible to everyone? Sam nida pada magari niri sam niri ga mag map dani sam nida pada magari Niri sa, niri ga ma ga ma pa, da ni sa, niri ga da ma ga re, niri sa. Dragadak, dragadak. तलंग कुतक देखो तक तिकट तुम पाहत जम पतिता जम पतिकट तक ती जन जन कुकुंता दिता कुकुंता दिता कुंता दिता जम तरिता जग तरिता कुकुंता दिता तकुंता दिते तरिकट तुम तक तरिकट तुम तक देखो तरिकट तुम साम Nida upada magari
re ga ma ga ma pa da ni sa ha our Acharya, Srimati Geeta Chandran, to share her experience. Well, as Vidushi Geeta ji has already expressed herself, so now I would like to carry forward. Well, it was such a wonderful performance given by the students. Thank Vidushi Geeta ji for teaching not only the dance, art of dance, but also art of life. अब मैं तीसरी वर्कशॉप कथक की मॉडरेटर समृद्धि शुक्ला को बुलाना चाहूंगी. इस वर्कशॉप के सभी पार्टिसिपेंट से मेरा अनुरोध है कि आप अपने कैमराज ऑन कर लें. सभी को नमस्कार. मैं समृद्धि शुक्ला, केंद्रीय विद्यालय वाहन निर्माणी जबलपुर की छात्रा, आज आप सभी के समक्ष हमारे कथक कार्यशाला के कार्यक्रम का संचालन करूंगी, जिसमें हमने पंडित राजेंद्र गंगानी जी से कथक सीखा है. मैं हार्दिक स्वागत करना चाहूंगी हम पंडित राजेंद्र गंगानी जी का. पंडित राजेंद्र गंगानी जी भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कलाओं में से एक कथक का के प्रवक्ता हैं. आपका जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां पहले से ही कथक कला को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त था. आपने 4 वर्ष की आयु से ही कथक सीखना शुरू कर दिया था. गुरु कंदन लाल गंगानी जी के मार्गदर्शन में आपने बड़ी आसानी से कथक सीखा और जयपुर घराने के उन सभी कठिन पहलुओं को अपनी अद्भुत नाट्य शैली में अवशोषित कर लिया. एक विपुल कोरियोग्राफर व कलाकार के रूप में आप रचनात्मकता के साथ परंपरा की शुद्धता को बनते हैं. इतना ही नहीं, आप एक कौशल संगीतकार भी हैं और धुनों की गहरी समझ रखते हैं. तबला, हारमोनियम और पखावज के वादन में आपको विशेष गति प्राप्त है. और इतना ही नहीं, आपको अनेक पुरस्कारों से भी नवाजा गया है. तो अब मैं हमारे गुरु जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आए और 2 शब्द कहें. सभी को नमस्कार. और एक काफी 5 दिन से लगातार हम लोग सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक इन बच्चों के साथ हमने कला और विरासत इन सब के साझा किया. कुछ बड़ी रोचक बातें भी की और इन बच्चों को प्रयास किया कि जो स्पीक मैके की मूवमेंट है, एक अनुभव है, इनको गुरुकुल के साथ साथ जिंदगी में कला का क्या अहमियत है, कला की क्या खासियत है, क्यों कला है, क्यों इनको कला के बारे में जानकारी करनी चाहिए, क्यों सीखनी चाहिए, क्यों समझनी चाहिए, हमने पूरी कोशिश की. बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्यारा अनुभव रहा और इनको भी अनुभव मिला, मुझे भी अनुभव मिला. क्योंकि दिख्या परख्या सीख्या ये चीजें लागू होती है, किसी भी कला के साथ जुड़ते हैं. तो बहुत अच्छा रहा. और मैं स्पीक में के जो कोऑर्डिनेटर निर्जा जी, वेदांत जी और श्रुति जी, ये 3 सबको जो वॉलेंटियर थे और पूरी टीम को और शशि भी थे, सबको बहुत बधाई देना चाहता हूँ. स्पीक में के तो हम खुद ही सोचते हैं कि हम सब उसका परिवार का एक हिस्सा है. तो इसलिए उसके साथ जितने हिस्से जुड़ते जा रहे हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई. बहुत अच्छा लगा. नमस्कार. तो हम अब आगे बढ़ सकते हैं और आज के कार्यक्रम की रूपरेखा तो हम प्रारंभ करते हैं. सब लोग आ जाएं और
विल स्टार्ट के ये प्रस्तुत करेंगे। एक श्लोक सिखाया इन सबको और वो सब लोग भूमि प्रणाम कर लें आप लोग, और उसके साथ हम श्लोक से फिर एक बेसिक तत्काल, फिर हम हस्तक, हस्तक के साथ साथ तोड़े, और फिर उसके बाद ये जैसा जैसा आगे बढ़ेंगे ये सब बताते जाएंगे। हम शुरू कर रहे हैं। अब ये तत्काल बेसिक इन लोगों ने सीखी। अब हस्तक तोड़े
अगले पेज आ जाए, थोड़ी जो करना चाहते हैं वो विद्यार्थी, थोड़े टुकड़े वाले विद्यार्थी आ जाए, अगली आवृत्ति से करना, सब लोग आ जाइए। चलिए पहला थोड़ा तर तर धुन धुन दिग धा दिग दिग थे तर तर धुन धुन दिग धा दिग दिग थे तर तर धुन धुन दिग धा दिग दिग थे दिग धा दिग दिग थे दिग धा दिग दिग थे दिग धा दिग दिग ता थे थे ता ते आ थे थे आ ता थे। तोड़ अब दूसरा तोड़ा करेंगे उसको हम बराबर के लिए में तत 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 चलिए डबल दिग दिग थे तत 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 दिग दा दिग दिग थे तत 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 दिग दा दिग दिग थे दिग दा दिग दिग थे दिग दा दिग दिग थे दिग दा दिग दिग था दिन दिग दिन दिन था दिग था। आ जाओ पढ़ो वसुंधरा पढ़े। हाँ वसुंधरा प्रस्तुत है चक्रधार तोड़ा धा धिन धिन धा धिन धिन धा तिन तिन ता धिन धिन धा तत तत त्राम थे तिग्धा दिग दिग थे ता थे ता थे ता तिग्धा दिग दिग थे ता थे ता थे ता तिग्धा दिग दिग थे ता थे ता थे ता तिग्धा दिग दिग थे ता थे ता थे ता तिग्धा दिग दिग थे ता थे ता थे ता तिग्धा दिग दिग था दिग दा दिग दिग थे ta de ta 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 ta
ये इस 5 दिन का एक छोटा सा प्रस्तुतिकरण था। हालांकि बहुत कम समय होता है 5 दिन, लेकिन फिर भी बच्चों ने बड़ी तन्मयता से और बहुत अच्छे से ग्रहण किया शिक्षा और समझा इसको, आगे बढ़ सकते हैं आप लोग। मैं पंडित राजेंद्र गंगानी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। समय सीमित था, फिर भी बच्चों ने इतनी हृदयग्राही प्रस्तुति दी। Now I would like to invite moderator of Madhubani painting, Nilakshi. I request all the participants of Madhubani workshop to turn on your cameras. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पिक के द्वारा आयोजित अनुभव 2.0 सीरीज की मधुबनी पेंट मधुबनी वर्कशॉप प्रेजेंटेशन में। मैं नीलाक्षी आर्मी पब्लिक स्कूल नंबर 1 रुड़की की छात्रा हूँ। आज मैं इस वर्कशॉप प्रेजेंटेशन की मॉडरेटर हूँ। मधुबनी पेंटिंग मिथिला की एक फोक पेंटिंग है जो नेपाल और बिहार के कई क्षेत्रों में बनाई जाती है। इस पेंटिंग में मिथिलांचल की संस्कृति को झलकाया जाता है और मधुबनी पेंटिंग को मधुबनी आर्ट और मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। मधुबनी बिहार में इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के पास एक जिला है। बताते हैं कि यह शहर रामायण के समय में भी था, तब इसका नाम मधु के वन में पड़ा था। इसी वन में राम और सीता ने पहली बार एक दूसरे को देखा था। ऐतिहासिक तौर पर यह माना जाता है कि यह चित्र राजा जनक ने राम सीता के विवाह के दौरान महिला कलाकारों से बनवाया था। अब मैं अपनी गुरु हेमा देवी जी के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। माँ से बेटी को विरासत में प्राप्त होने वाली मिथिला पेंटिंग को श्रीमती हेमा देवी जी ने 10 वर्ष की उम्र में अपनी माँ श्रीमती लीला देवी जी से सीखा। उन्हें 2016 में मधुबनी में उत्तम योगदान को सराहते हुए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। उन्होंने देश विदेश के कई स्कूल और कॉलेज में इस कला को सिखाया। उन्होंने देवी देवताओं को दर्शाते हुए बहुत सी पेंटिंग बनाई हैं, जैसे सीता स्वयंवर, कृष्ण रामलीला और द्रौपदी का जीवन। अब मैं आदरणीय श्रीमती हेमा देवी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे साथ अपना अनुभव साझा करें। नमस्कार, मैं हेमा देवी, मैं मधुबनी बिहार के रहने वाली हूँ और मधुबनी आर्टिस्ट हूँ और नेशनल अवार्ड विनर हूँ। मैं स्पीक मैके को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज 5 दिनों का कार्यशाला के लिए इसमें मुझे भाग मिला। बहुत खुशी हुआ। कोरोना काल में हम लोग 1 साल से बैठे हुए थे और कुछ काम नहीं मिला था। 1 सालों से हम लोग घर में बैठे हुए थे, इसलिए स्पीक मैके को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत खुश हूँ आज जो 5 दिनों का कार्यशाला में अपने बच्चों के साथ पेंटिंग सिखाई हूँ। बच्चे लोग बहुत अच्छे से सीखा है और मन लगा कर बनाया है और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ बच्चों लोग को जो मेरे साथ 3 घंटा बैठ करके काम किया और अच्छा अच्छा पेंटिंग बनाया। मैं तीन पेंटिंग मैं ये कार्यशाला में बनवाई हूँ अपने बच्चों से। बच्चों लोग बहुत अच्छा से सीखा है, बहुत मन लगा के बनाया है और बच्चे लोग को मन से आशीर्वाद देती हूँ कि और अपने समय 10 मिनट निकाल करके हर रोज प्रैक्टिस करें और अच्छा से बनाएं, ये पेंटिंग को आगे बढ़ाएं।
इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं अपने प्रतिभागी शरांत से अनुरोध करती हूँ कि वह मधुबनी कार्यशाला के दौरान अपने अनुभव को साझा करने के लिए आए। सारांश। मेरा नाम शरांश है। मैं केंद्रीय विद्यालय सेक्टर द्वारका स्कूल के छठी कक्षा में पढ़ता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी अध्यापकों को मेरा नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी को 2021 की मधुबनी पे कार्यशाला के दौरान मेरा अनुभव कैसा रहा यह बताना चाहता हूँ। मुझे चित्रकारी में अत्यधिक रुचि है और मेरा हमेशा से ही अलग अलग जगह के पारंपरिक चित्र बनाने का मन था और मैं अनुभव सत्र का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यह सीखने का अवसर दिया। इस सत्र में वह प्रतिदिन हमें मधुबन चित्रकला के अलग अलग चित्र बनाना सिखाते थे। इससे मेरी चित्रकला में बहुत सुधार आया क्योंकि हमारी इस सत्र की अध्यापिका आदरणीय हेमा देवी जी बहुत ही सरल तरीके से सिखाती थी। सत्र का अनुभव अत्यंत अच्छा रहा और मैं इसे जीवन भर याद रखूंगा एवं उनका सदा आभारी रहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सारांश। अब मैं हमारी दूसरी प्रतिभागी मंजू को मधुबनी कार्यशाला के दौरान अपने अपने अनुभव को साझा करने के लिए बुलाना चाहूंगी। नमस्कार, मेरा नाम मंजू सोम है। मैं टाइटन स्कूल से हूँ। मैंने ये इन 5 दिनों में ये सीखा है कि मधुबनी आर्ट कैसे बनाया जाता है और उसको कैसे पेंट किया जाता है। पहले ये देख के लगा था कि ये बहुत कठिन होगी, पर बाद में जब ये धीरे धीरे स्ट्रोक मुझे आने लगे तो ऐसा लगा कि ये तो बहुत इजी पेंटिंग है, ये किसी भी बनाई जा सकती है। मैं सबसे बड़ा थैंक्स मिस हेमा देवी को करना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमें इतनी अच्छी आर्ट फॉर्म सिखाई और इतने अच्छे से हमें कलर करना सिखाया और कलर बनाना भी सिखाया। और उन्होंने ये भी बताया कि वो अपना पेपर और कलर्स कैसे बनाती हैं। और मैंने ये भी सीखा है कि हम लोग अलग अलग पेंट से अलग अलग कलर्स भी बना सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि मैं और आगे ये पेंटिंग सीखूंगी और सिखाऊंगी भी। थैंक यू। धन्यवाद मंजू। अब हमारे प्रतिभागियों द्वारा कलाकृति की प्रस्तुति का समय है। मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि सब अपना कैमरा ऑन करें और अपनी अपनी पेंटिंग सिखाएं। बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स बनाई हैं बच्चों ने। मैं श्रीमती हेमा देवी जी को उनके एफर्ट्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। अब मैं कुडियट्टम वर्कशॉप की मॉडरेटर कृति शर्मा को बुलाना चाहूंगी। कृति शर्मा। Thank you for inviting me. With whole of my heart, I would like to thank Stigmake for bringing forward the art form that has major significance in the world, national and cultural history. Kodiyattam, as taught by our Guruji, literally means acting together. He told us that each performance involves elaborate and lengthy acting sequence using hand gesture and eye movement. Not elaborating much, I would like to invite our Guruji, Sri Mangi Madhur Chankyar Ji, to express his feeling. Over to you, Guruji. Namaskaram. I am very happy to work with young, talented students. I know Kudiyattam is not easy for beginners, especially in the online platform. But I am glad that they ask many doubts
which shows their enthusiasm to understand the art. Smitmeke is doing a great job in spreading the art and culture among youth. Especially Dr. Kiranji and entire Smitmeke team for making it possible even in the pandemic situation, at least in an online platform. I would like to convey my thanks to Parvati, Ebi, and other Smitmeke volunteers who were helping me in conducting the workshop. Kudiyattam is Sanskrit drama, an acting of Sanskrit drama. It has a history of more than 1,000 years. So this is our tradition. I convey my thanks to Smitmeke and Kiranji. Namaskar. Thank you, Guruji, for your insightful words. Now I invite Tanishka, one of our delegates, to please share her experience throughout the workshop. Thank you for inviting me. Since last few days, I and my many other friends were taking classes from Guruji and learned many things and steps from Guruji. I hope all students enjoy. Guruji teaches us very nicely how to do these dance. Some steps were very easy and some were very hard. Now I want to say thank you to Guruji. Ma'am also helped us in learning many steps. So I also want to say thank you to our ma'am. Thank you, Guruji, for this amazing workshop. Now I want to say thank you once again to all of you. Thank you. Thank you, Tanishka. We all feel the same after these 5 days of workshop. Now I invite Subhiksha, Harsha, and Purnima to perform these 3 lines that we have been taught by our Guruji from Ramayana. I request Subhiksha to start the presentation, followed by Harsha and Purnima. Long ago, Surya's dynasty was born. Indira Pandya. Surya Vamsham. Undai. There many kings were born. Abite. Anekam. Raja Kanmar. Yeah,
Mundai. Thank you. There happened one place named Ayodhya to live for them. Our girl Irippa Nai gone to Ayodhya Enni Vannam Prasiddhayai Oru Rajadhani Untai Thank you. It was a marvelous performance. This is all from Kodiyattam workshop. Before handing over the mic to the moderator of the event, I would once again thank SpeakMeke and Dr. Kiran Seth for arranging this amazing workshop. It was such a mesmerizing performance. I thank Guru Margi Madhuji for your guidance to the students. Thank you so much. Ab main bina kisi vilamb ke Rajasthani folk ki moderator Shahana Shyam ko aamantrit karna chahungi. Sahana? Yes, ma'am. Yeah. Namaste. My name is Sahana Shyam. I am a student of class 9 from the Titan School in Hosur, Tamil Nadu. I welcome everyone to this Rajasthani folk music presentation. I ask Srishti Saindhya to introduce our Guruji, Ustad Buntu Khan Langaji. नमस्कार मैं सृष्टि सानिध्य जवाहर नवोदय विद्यालय नलबारी असम के कक्षा अष्टम की छात्रा हूँ. आज मैं आप सभी के सामने उस्ताद श्री बुंदु खान लंगा सर का आज मैं आप सभी के सामने उस्ताद श्री बुंदु खान लंगा सर का परिचय करने के लिए जा रही हूँ. उस्ताद श्री बुंदु खान लंगा सर राजस्थान के बाड़मेर
जिले के पारंपरिक परिवार से हैं। उस्ताद श्री बुंदू खान लंगा जी के पिताश्री का नाम है अलाउद्दीन खान लंगा जी। अलाउद्दीन खान लंगा जी भी लोक संगीत के कलाकार थे। आप राजस्थान लोक संगीत के ऑल इंडिया रेडियो के श्रेष्ठ ग्रेट कलाकार हैं। आपने रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन में 11 बार प्रदर्शन किया है। आपने यूके लंदन स्पेन इटाली हॉलैंड में भी प्रदर्शन किए हैं। आपको राजस्थान नृत्य एकेडमी से आदित्य बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और कई पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया है। आपको राजस्थानी लोक संगीत कंचन जी भैया। हाँ आप पढ़ दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम कंचन शर्मा है। मैं आप सभी के सामने तो विख्यात कलाकार राजस्थानी लोक गीत गायक उस्ताद बुंदू खान लंगा जी का छोटा सा परिचय कराना चाहूंगी। उस्ताद बुंदू खान लंगा जी बाड़मेर के लोक कलाकारों के पारंपरिक परिवार से हैं। आपको आपके पिता उस्ताद अलाउद्दीन खान लंगा जी एक प्रसिद्ध लोक कलाकार द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। आप राजस्थानी लोक कलाकार है। आपने रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में 11 बार प्रदर्शन किया है। आपने यूएसए फ्रांस यूके हॉलैंड स्पेन इटली आदि में भी प्रदर्शन किया है। आपको राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार आदित्य बुल्ला पुरस्कार और कई अन्य लोगों द्वारा राजस्थानी संगीत और संस्कृति के को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। आप हेडवर्ड ग्रुप के लोक गायक हैं। अपने गायन के माध्यम से यह दर्शकों के दिल को छू जाता है और रेगिस्तान के समृद्ध पारंपरिक संगीत की झलक देता है। थैंक यू। थैंक यू मैम। आई वुड नाउ लाइक टू इनवाइट आवर गुरुजी उस्ताद बुंदू खान लंगा जी टू से अ फ्यू वर्ड्स। नमस्कार, मैं बुंदू खान लंगा बाड़मेर से हूँ, राजस्थान। अभी जो हमने 5 दिन की ये कार्यशाला जो स्पीक मैके के थ्रू हुई थी, उसमें बच्चों ने जो हमारा लोक संगीत सीखा है, मैं इनसे बहुत खुश हूँ और हमारी लोक परंपरा आगे बढ़े और बच्चों के समझ में आए लोक संगीत क्या होता है। तो हमारे साजों के बारे में भी बताया मैंने और हम कहाँ से उठे हैं, कहाँ तक आए हैं, देश विदेश में कैसा नाम किया है, पूरी दुनिया में नाम है राजस्थान का। तो राजस्थानी लोक संगीत पूरे वर्ल्ड में हम लोगों ने कार्यक्रम किए हैं और स्पीक मेके के माध्यम से और हमारे किरण सेठ जी पद्मश्री भूषण और इनके आशीर्वाद से हमने जो बच्चों को सिखाया है
और मैं प्रार्थना करता हूँ कि मालिक करे ये सीखते रहे, और जो भी गाने हैं आज जो भी मैंने सिखाया, जितने भी कोऑर्डिनेटर है स्पीक मैके के, उनको सबको मैं नमस्कार क्षमा गणी कहता हूँ कि आपने बहुत सहयोग की। ये प्रोग्राम आमने सामने का है, जैसे कोरोना के टाइम में आप लोगों ने इस फेसबुक के जरिए जो हमारे को जोड़ा है और लोगों को दिखाया और बच्चों को सिखाने का मौका मिला, इनके लिए मैं आभारी हूँ स्पीक मैके का, और सबको मैं नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। नमस्कार खमा गए। Thank you, sir. I would now like to invite Ms. Shubhashree Mukhopadhyay to tell us about her experience during this workshop. Namaskar. Good afternoon, one and all. I'm Shubhashree Mukhopadhyay from Kendriya Vidyalaya Fort William, Kolkata. I'm a music teacher over here. I just want to thank you, Speak Maki, and our Guruji, Shri Bundu Khan Langa Sarji, for this excellent 5 days workshop of Rajasthani folk song, traditional folk song. Along with the children, I also attended for 5 days, and we have learned so many new things about the tradition of this Rajasthani folk song. We have come to know about the langa and their rich tradition of singing, and then we got to know about the so many instruments which are commonly used for Rajasthani folk songs, like Sindhi Sarangi, Bialeda Sarangi, Phir Morchang, Phir Kartal, and Dhola, so many things. And the song we have learned here in the workshop, along with the children, I have also learned, it is based on, theme is on marriage ceremony, traditional marriage ceremony, and the song is Gehniya Thay Laijo, on Deep Chandi Tal, and Rag Sub. Sir told us this is Rag Sub, they call it, but I found it quite similar to Rag Bhairav. So all are similar. So it was nice experience, sir, of this big stature. He's an artist of this big stature, but he taught us each and every line repeatedly to every child. Thank you, Guruji. Thank you so much for this excellent workshop. I have got to know so many things. Thank you, Speak Maki. Thank you, ma'am. I would now like to ask Murchana Bora, Navya, and Shreya Barrett to present what we have learned during this 5-day workshop. Namaskar, Guruji. Good afternoon, everyone. My name is Navya. I study fourth class in K. Namaskar, Guruji ka pranam. I am Murchana Bora, studying in class 8, Sampurna Kendriya Vidyalaya from Dibrugarh, Assam. I would like to start this Rajasthani folk song, our Ustad Guruji, Ustad Bundu Khan Langa taught. Gehniya Thay Laijo, Gehniya Re Maya, Mononi Ora, Sayo Mori E, Halo Re Maro Re. Gehniya Thay Laijo, Gehniya Re Maya,
Yes, Shreya, continue. नमस्कार, मैं श्रेया बारिक, केवी फोटोइलम की छात्रा, मैं कोलकाता से हूँ। आज मैं गुरुजी द्वारा सिखाया गया राजस्थानी फोक सॉन्ग आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उम्मीद है कि ये सब आप सभी को पसंद आएगी। गिर लिया थे जो भैया उन्होंने दोबारा ज्वाइन नहीं किया है। आप वो है मीटिंग में है, नव्या क्लास फोर्थ है। आप सुन पा रहे हैं नव्या? आपकी आवाज नहीं आ रही नव्या। Yes, sir. जी आप गाइए। Yes, ओके श्रद्धा, आई थिंक उनका नेटवर्क सही नहीं है, आप आगे बढ़ो। मैं तहे दिल से उस्ताद बुंदू खान लंगा जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, इतनी सुंदर प्रस्तुति, इतना सुंदर गाया बच्चों ने। सो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मॉडरेटर ऑफ ओडिसी वर्कशॉप मोहिता सेन गुप्ता। मोहिता नमस्कार, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल टू द प्रेजेंटेशन ऑफ ओडिसी डांस वर्कशॉप बाय विदुषी सुजाता मोहापात्र जी इन अनुभव 2021 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पीक मखे। I am Mohita Sengupta from Vishwa Bharati University, Shantiniketan, West Bengal. It was our immense pleasure to learn from you, Guruji. Firstly, I would like to invite Tanmoy Pal
for a brief introduction of Guruji and Odissi dance. Namaskar, I am Tanmay Pal from Vishwabharati University, Shantiniketan, West Bengal. Odissi is one of the 8 classical dance forms of India. It originated from the state of Odisha in eastern India. The classical treatise of Indian dance, Natya Shastra, referred to it as Odra Magadhi. It is particularly distinguished from other classical Indian dance forms by the importance it plays upon the Sibhangi, the independent movement of head, chest, and pelvis, and upon the basic square stance known as Chauka that symbolizes Lord Jagannath. The dance is characterized by various bhangas, which involve stamping of the foot and striking various postures as shin. The Indian sculpture, the common bhangas are bhanga, abhanga, atibhanga, and tribhanga. Sensuous and lyrical, Odissi is a dance of love and passion, touching on the divine and the human, the sublime and the mundane. Vidushi Sujata Mahapatra is considered a benchmark of excellence in Odissi dance today. She began her training at the tender age of 4 under her mother, a disciple of Guru Kelucharan Mahapatra. She studies under the watchful eye of Guru Sudhakar Shah at the Nritya Sangeet Kala Mandir. She spent 20 years under the guidance of late Padma Vibhushan Guru Kelucharan Mahapatra. She was done a master degree in Odia literature from Utkala University. Guruji has won many awards and accolades such as Sangeet Natak Academy Award in 2017, Nritya Churamani from Krishna Ganeshaba Chennai in 2014, Sandipta Panigrahi Award given by Chitra Krishnamurti from Washington DC, and many more. We are extremely lucky to have a chance of interacting with you through SpeakMake. It was indeed a great opportunity. Now I would request Guruji to come forward and tell her experience. Please, ma'am. Thank you, Tanmay. It is a great pleasure and honor for me to be part of this SpeakMake series, Anubhav series. I'm very lucky that whoever the students present here, they were very sincere, very hardworking, and very humble. Because for a teacher, it is very necessary to have the sincere student in the class. I hope in between these 5 days, I tried my level best to teach them maybe a drop of water from an ocean, because sadhana is, as I said, unlimited. So we are trying to get this unlimited work. And between these 5 days, however way, I must thank SpeakMake for giving this opportunity to the students not to sit at home, but also share something which is our culture, our pride. And I thank Kiranji for giving this support, not only to me, but to keep this legacy of Padma Vibhushan Kelucharan Mahapatra. Thank you. Thank you all the team members of SpeakMake who has really worked so hard to reach this destination. And now I would like to request all the students to carry forward. Next, I would call upon Pritikana Koyal for sharing her beautiful experience in this workshop with Guruji. Namaskar, I'm Pritikana Koyal from Vishwabharati Shantiniketan, West Bengal. I convey my heartiest respect and pranam to Guruji Srimati Sujata Mahapatra and cordially love to all participants. I am extremely happy taking part in the workshop of Odissi dance organized by SpeakMake.
In the midst of COVID panic situation and crisis, a five-day workshop which burst uncomparable gift and new experience too. I feel positive aspect in the workshop as great Guruji, who accompanied by senior disciple, has offered best level base individually, sincerely, and carefully. I also thank to Guruji for inspiring all. The valuable speeches delivered by Guruji on ardent desire and iron determination of a dancer can help to reach her goal and flourish knowledge too. This acquired experience and knowledge will lighten and smoothen my dancing life. I am also thankful all for giving opportunity in Odissi workshop. Namaskar. Last but not the least, we have a presentation of what we have learned in this workshop. Before that, Rupsha will give a short introduction about what we are going to do in our presentation and its participants. Namaskar. On behalf of Anubhav Workshop, our Odissi students are going to present Bhumi Pranam. It is described as asking permission from the Mother Earth before dancing, where one bows to the ground to take the blessings from the Mother Earth by touching dust of the floor on one's forehead. Now, I would like to request all the participants to stand in the position. Kadatak gadi gane dha. Kadatak gadi gane dha. Kadatak gadi gane ta. Tati na ka ti ni ta. Tati na ka ti ni ta. There are four basic steps stance in Odissi. Number one is Samabhanga, standing straight. Number two is Abhanga, a half bend. Number three is Tribhanga, three bends. One from the knee point, second from the torso point, and third from the neck point. It represents the female stance in Odissi. And the last one is Chauka, the square position. This represents our Lord Jagannath. Padaveda, foot positions. First, Bhumi Sthitalina Pada. Adi Pada. Third one, Jugma Pada. The fourth one, Viparita Mukha Pada. The fifth one, Kumbha Pada. The sixth one, Dhanu Pada. The seventh one, Prishta Dhanu Pada. The eighth one, Mahapada. The ninth one, Prishta Mahapada. The tenth one, Ekapada. The 11th one, Minapuchapada. The 12th one, Ashrita Pada. The 13th one, Lolita Pada. The 14th one, Uttarita Pada. The 15th one, Ullalita Pada.
Now they're going to present Chauka Stepping 2. Kadatak gadi gane dha. Kadatak gadi gane dha. Kadatak gadi gane ta. E thi nak thi ni ta. E thi nak thi ni madhyam ta. E thi nak thi ni ta. E thi nak thi ni drut ta. E thi nak thi ni ta. E thi na dhi na dhi na kita dhi ni ta. Now they are going to present number 1 Tribhangi. Kadatak gadi gane dha. Kadatak gadi gane dha. Kadatak gadi gane ta. E thi na ka thi madhyam ta. E thi na ka thi ni ta. E thi na ka thi ni drut ta. E thi na ka thi ni ta. E thi na dhi na dhi na kita dhi ni ta. Next, they are going to present Hasta Mudras, Asam Yukta Mudra, or single hand gesture. Pataka. Three pataka, ardha pataka, kartari mukha, mayura, ardha chandra, arala, shukatunda, mushti, Shikhara, Kapitha, Kataka Mukha number 1, Kataka Mukha number 2, Kataka Mukha number 3, Shuchi, Chandrakala, Padmakosha, Sharpa Shisha, Mriga Shisha, Shingha Mukha, Kangula, Ala Padma, Chatura, Brahmara, Hangshashya, Hangshapakhya, Shamdangsha, Mukula, Tamrachura, Trishula. We have learned in this workshop Ek Tali. Now we are going to present it. Ta Itti Naka Thini. Ta Itti Naka Thini. Ta Itti Naka Madham. Ta Itti Naka Thini. Ta Itina katini ta, 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 itina katini ta iti nak dhini ta iti nak dhini ta iti nak dhini ta iti nak dhini ta.
Learned in this workshop Jagannath Stuti. Now we are going to present with the music. Thank you, everyone. Without my help also now in this presentation, they did whatever, they did very good. And I personally would like to thank Puspa
because from the day one, she couldn't dance. She couldn't stand and dance. But by sitting, she observed the dance, and throughout, she has by-hearted all the Padavedas and everything. And she has helped everyone for make, because while dancing, to say and coming closer to the camera, microphone, it's not so easy. She is the one who, can you raise your hand, Pushpa? I must thank you for doing such a great work to help all the dancers to dance comfortably. And thanks to all the participants. I am very lucky to have you all in these 5 days to work with me. And also, I thank my guru and God, because this time we did Snana Purnima, where Jagannath goes for bath and goes to Anasara. So I thought, in between 5 days, what else will be the best choice for this occasion? So it's not only learning the dance, but it is completely a tribute to Lord Jagannath. Thank you all. Thank you, Speak Meke, for making this possible. At the end, I would like to thank Guruji for teaching us, and Speak Meke to organize such a wonderful event in which we could learn a lot from Maestro of Dance. Thank you, everyone. And I would like to thank, before I forget, to two of my students who also helped them for doing this, Prashanti Jena and Ankita Sengupta. They also worked 15 hours in these 5 days to make this possible. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Vidushi Sujata Moh Patra Ji. You will always be an inspiration for us. अब मैं इस प्रेजेंटेशन की लास्ट वर्कशॉप चित्तारा ट्राइबल आर्ट की मॉडरेटर लोकेश को बुलाना चाहूंगी. लोकेश. लोकेश, आर यू देयर? हां, ऑडिबल नाउ? आर यू ऑडिबल नाउ? यस यस, यू आर ऑडिबल. यू कैन कैरी ऑन. Namaskar, I am N. Lokeshwar Rao, studying Amrita School, Padapatnam, Srikakulam District, Andhra Pradesh. Chitara Workshop presentation organized under Speak Meke Anubhav 2.0 series. Chitara Paintings Workshop is Karnataka's folk art practiced by the Diruvaru tribal from Malnadu region of Karnataka. The lines and patterns in these paintings depict the religious community. Every situation of core depicted on the walls has a relevant song, which is usually sung by the painters while painting, while invoking the gods before the painting, thus becoming a source of the creativity of men and women who draw these paintings on the walls of their houses in freehand. We have enjoyed a lot, learned a lot of things about the Chitara paintings through Vidhan Ishwanayak ji, who is a great personality and a torch bearer who revived this art form, has been awarded by Kannada Rajyotsava Award as well as the National Award for Master Craftsman. Pranam to you, Ishwanayak ji. So kindly come forward and express and share with us your experience. And now, how did the time with Speak Meke pass out?
Namaste. I'm Ishwar Naik, chitra artist from Karnataka. This is very good opportunity to teach my art in this Anubhava workshop. Students also very nicely learn this art in these 5 days. They learn two paintings in my chitara art. I thanks to Spikbeke for providing this good opportunity to teach my art and culture to passing the next generation. Thanks to Kiran Saab and Girija Madam and all the Spikbeke one in person on that. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for giving your talent. And I would like to call one of our participants, Sri Manjari, to share her experience during the Chitara workshop. Manjari ji. Namaste all. I'm Dr. Manjari, a lecturer from University College for Women, Usmania University, Hyderabad. Through Spikmeke, I came to know this beautiful folk art called Chitara, which, as Ishwarji has told, is a mix of music, painting, and lifestyle. It is heartening to know that I could learn from a national award winner, Ishwar Nayakji, who is instrumental in upholding the folk art. I'm very happy to learn it from him. We learned some motifs and geometrical shapes, tribal figures, to draw various aspects of life like bride and grooms, fertility symbols, etc. We learnt two paintings called Aarti Chitra with 8 deepas and that of a marriage ceremony. Drawing Chitara painting requires a keen understanding of ratio and proportions. Frankly, I had not heard about Chitara, but Spik Anubhav has given me this golden opportunity to learn this unique remote art form. Under the circumstances, I can't visit these artists in their communities, but Anubhav gave the opportunity to connect with the artists. Folk art like Chitara are treasures of eternal value waiting to be explored. Ishwar Nayak avare, dhanyavadagalu. Thank you. Thank you, Manjari ji. It's time to for the presentation of artwork our participants. I am G. Kishore from Pathpatnam. I am studying 9th class in Amar Jyoti School. I feel very happy by listening these workshops. These workshops are very nice, and these Chitara paintings, which are told by Ishwar Nayak ji, is very easy to learn. And I gain more knowledge by listening these workshops and by doing these workshops. So once again, thanking you, sir. These workshops made me very easy to learn Chitara art. Thank you, sir, very much. Thank you very much. Namaskar, I am S. Dichitashri from class 7th from the Titan School in Osur, Tamil Nadu. I have really got to learn a lot from this Chitara art workshop by Ishwar Nayak ji through Spikmaki. And I really thank Spikmaki to give this opportunity and to Ishwar Nayak ji once again. I have learned Chitara art from forms such as Aarti Chitra and marriage painting, and it was really amazing.
and I thank you for conducting such a great workshop. Once again, thank you, Ishwar Nayak ji. Hello, am I audible? Yeah, audible. Yeah, Tainidhi, share your experience about. Hello? Yeah, you are audible. Hello, my name is Tainidhi. I'm studying 10th standard in Titan School, Hosur. Chitara painting is a really great art form. What is fascinating about this art form is it does not use any external components from the basics. It only uses the basic components and does not include any other components. Sitara painting was a very great art form to learn, and it was really fun to learn. Thank you. I'm Revan. Okay, it was a very great performed by our. I'm Revan. Carry on, Revan. I'm Revan studying in class 10 from the Titan School. I'm blessed to be a part of Rikmeke Anubhav 2.0. I learned the art Chitara from Guru Ishwar Nayak ji. I am pleased to attend this 5-day workshop. My heartfelt thanks to Guru Ishwar Nayak ji, Speakmeke, the Titan School, and all the volunteers who made this event possible during the pandemic. Thank you. Thank you, participants. It was a very fun by our participants. Thank you, everyone, for listening to us and giving our valuable time. Thank you, Ishwar Nayak ji, for great talented person, such a great intelligent. For thank you all. Thank you so much. मैं ईश्वर श्री ईश्वर नायक जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी. इतने कम समय में आपने बच्चों को इतना कुछ सिखाया. वैसे तो इन उच्च कलाओं को सीखने के लिए ये 5 दिन का समय बहुत ही सीमित है, लेकिन आप सभी परम गुरुओं के सानिध्य में हमें इन कलाओं की झलक देखने को मिली. हम सभी आपके समर्पण के लिए आभारी रहेंगे. अब मैं स्पीकमेके की चेयरपर्सन उषा रविचंद्रन कैन वी एक सेकंड श्रद्धा, हम लोग नव्या को बुला ले, फिर मैम से वोट ऑफ थैंक्स करवा लेंगे. या ओके या हां हां नव्या, आई वुड लाइक टू कॉल नव्या. फॉर नव्या, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? यस सर. Yes, sir. Yes, Navya. You can sing. Good afternoon, everyone. I am Navya from Ambala, Kent, Haryana. I study in 4th class in KV number 1 school. Maine Guruji Bandhu Khan Langa Ji ki workshop अटेंड की है 5 days की. मैंने उसमें राजस्थानी सॉन्ग सीखा है, वो मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ. गेड़लिया थी लाई जो गेड़लियों री माया.
बताया नव्या आपने, बहुत ही सुंदर। अब मैं स्पिक मके की चेयरपर्सन उषा रविचंद्रन जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। उषा मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। Respected gurus of these intensive workshops, dear teachers, students, and all present here, I welcome you all to this event. Today, 26th June, the sixth day of Anubhav 2, one of the most inspiring event of our initiative, the presentation by the participants of 8 intensive workshops held for all these days. These presentations depict as to how much the students have learned in this short period and how our learned and legendary gurus have helped them learn the art to even those who did not know anything about that art form, as Sujata ma'am also expressed. So it is not only those people who are learned in the art form, or those who are not are taught in such a way that they give such beautiful presentations. They help the gurus, they help the other students in picking up the art form. It's a matter of pride for us that these children are carrying with them a beautiful experience and memory of Guru Shishya Sanidhya and Guru Shishya Parampara. They will cherish these for all their lifetime, and they would look forward to one more Anubhav, one more convention to be part of it. In this, I would like to convey on behalf of Speak Make, the intensive gurus, Vidushi Shruti Shadolikar, Hindustani vocal, Vidushi Geeta Chandran, Bharatanatyam, Pandit Rajendra Gangani ji, Kathak, Srimati Hima Devi, Madhubani, Guru Margi Madhu, Odiyatam, Ustad Bindu Khan Langa, Rajasthani folk, Vidushi Sujata Mahapatra, Odissi, and Sri Ishwar Nayak, Chittara Tribal Art. Speak Make feels very, very deeply grateful and indebted to you, gurus, to have accepted our invitation and to have come and teach these students for all these days and putting in your best efforts to make them shine. We never be able to forget this, and expecting the same help from, support from you in our future initiatives too. Bundu Khan Langa ji, hum aapko ka tahe dil se shukriya ada karte hain. Aapne bachchon ko itna khoobsurat sikhaya taki ye bachchi itna acche se प्रेजेंट कर पाई अपने गायन को, कि हमें बहुत गर्व होता है आप लोगों पर। और इसी के साथ इस आशा से कि सारे बच्चे फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे, ऑल दीज चिल्ड्रन विल परस्यू द आर्ट फॉर्म इन देयर लाइफ टाइम एंड बिकम एंड लर्न इट वेल। सम मे रीच लेवल्स विच कैन नॉट बी सेट टुडे, बट यस टुमारो दे कैन। सो विद दिस होप I take leave of you all, and I thank once again the teachers, the students, and the legendary gurus, and last but not the least, our founder, Dr. Kiran Seth, who has helped us to move forward with this movement. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Now, I hope
your Anubhav experience is a lifelong thing. Shraddha, can you also tell everyone about the overnight? Yes. So today on 26th and 27th June, we have overnight concert from 8 p.m. to 9:30 p.m. Pandit Hari Prasad Chaurasia will be performing. From 9:30 p.m. to 11 p.m., Pandit Venkatesh Kumar will be performing. From 11 p.m. to 12:30 a.m., Pandit Sajan Mishra will be performing. From 12:30 a.m. to 2 a.m., Guru Margi Madhu will be performing. From 2 a.m. to 4 a.m., Ustad Shahid Parvez Ji will be performing. From 4 a.m. to 6 a.m., Ustad Basifuddin Dagar Ji will be performing. And I hope you all enjoy this. Thank you so much. Thank you.